हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे पंस का क्या मीनिंग होता है, पंस का क्या मतलब होता है। ए पन इज अ जोक दैट मेक्स अ प्ले ऑन वर्ड्स, वर्ड्स के साथ खेलना। पन इज अ जोक दैट मेक्स अ प्ले ऑन वर्ड्स, पंस रिलाई ऑन वर्ड्स दैट आर सिमिलर इन स्पेलिंग, साउंड और मीनिंग टू मेक देयर लिसनर लाफ। और यू कैन से पन इज अम्यूजिंग यूज ऑफ वर्ड्स that can have two meanings or two different words that sounds the same। एक ही वर्ड के दो मीनिंग या दो डिफरेंट वर्ड्स जो सेम साउंड करते हैं। हिंदी में हम बात करें तो दो अर्थों वाले या एक समान उच्चारण परंतु भिन्न अर्थों वाले शब्दों का विनोदी प्रयोग, हास्य प्रयोग, श्लेष अलंकार इसको हम बोलते हैं, मजाक हम कह सकते हैं। पंस के ये दो एग्जांपल्स हैं। इंग्लिश में गुरिल्ला वारफेयर इज मोर देन जस्ट थ्रोइंग अ बनाना एंड शी हैड अ फोटोग्राफिक मेमोरी बट नेवर डिवेलप्ड इट। शी हैड अ फोटोग्राफिक मेमोरी बट नेवर डिवेलप्ड इट। ये दोनों ही वर्ड्स का इसमें यूज़ किया गया है और लिसनर को हंसाने के लिए ये काफ़ी हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल हम हिंदी में लेते हैं श्लेष अलंकार का। ये एक एग्जाम्पल है जो हिंदी में है श्लेष अलंकार। जे रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। रहीम जी ने दोहे के द्वारा दिए और कुपुत्र के चरित्र को एक जैसा दर्शाने की कोशिश की है। रहीम जी कहते हैं कि शुरू में दोनों ही उजाला करते हैं लेकिन बढ़ने पर अंधेरा हो जाता है। शब्दों का हेर फेर है। ये हिंदी में पंस का एग्जाम्पल है। Thank you for watching my video. Please subscribe my channel if you like my videos.